डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चंदौली इंडिया नाउ 24 हर खबर सटीकता से। आइए हम लोग ले चलते हैं सकलडिया विधानसभा क्षेत्र के सुमित तिवारी जी और सदराजा विधानसभा से माननीय श्री सुशील सिंह जी को टिकट मिला है भारतीय जनता की तरफ से। हम लोग इन लोगों से बात करते हैं कि आपकी सरकार के विषय में जानना चाहते हैं। सर आपका सुन ना, आज हम लोग बात कर रहे हैं विधायक सदराजा के। अब सर आपको दूसरी बार विधानसभा में चुना गया है प्रत्याशी के रूप में, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? पार्टी का मैं अपने सदस्य नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर विश्वास करके पार्टी ने मुझे। समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि 10 मार्च और भाजपा साफ, इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? पहले से ही समाजवादी पार्टी के लोग साफ हैं, 10 तारीख को पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। तो अपनी कहानी बता रहे हैं आपको। और ओम प्रकाश राजभर भी कहते हैं चल सन्यासी मंदिर में घंटा बजा, इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? कि भाई साहब की दुकान भाजपा ने चालू किया है तो भाजपा उनकी दुकान भी बंद कर देगी। अब जो बच्चा खतरा है उनकी कहानी इस बार खत्म हो जाएगी। चलिए आपको अपने समय देने के लिए धन्यवाद। और इसी कड़ी में हम चलते हैं सकलडिया विधानसभा से। इसके पहले वो इस विधानसभा में उपविजेता रहे हैं और इससे बात करते हैं सुमित तिवारी जी से। ये आप इस बार आप सकलडिया विधानसभा में ऐसा क्या दाव पेश करना चाहते हैं जो आपको विजय श्री की घोषित की कामना की जाए? दाव पेश हम नहीं कर रहे हैं, दाव पेश जनता कर रही है। हमारा एक ही है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये हमारा विश्वास है और भरोसा है जनता का। बाबा किना राम के दरबार में, दरबार से जो ये हम लोग यहाँ संकल्प लेके जा रहे हैं कि विधानसभा के एक एक प्रत्येक नागरिक के रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सभी की है और अपना दायित्व निर्वहन करके पूरी जनता को साथ में लेकर के चलेंगे। अभी इस कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए थे तो कह रहे थे अपने बुखार बिंदु से कि इस बार अगर मेरा सकलडिया विधानसभा जीत के हासिल होता तो मैं यहाँ। सौभाग्य है
कि यह शीर्ष नेतृत्व हम लोगों के ऊपर भरोसा करके दोबारा प्रत्याशी बनाया है। और मित्रों, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जो पार्टी का संदेश है उसको लेकर के हम लोग जनता के बीच में तो चल ही रहे हैं, लेकिन अपना भी एक संदेश है कि सबको साथ लेकर के चलने की जरूरत है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को जीत करके चलना है। और इसी मंत्र के साथ हम यह चाहते हैं कि सैयद राजा, सकलिया, दीनदयाल नगर और चकिया चारों विधानसभा आपके जितने संबंधी है सबको लगा दीजिए भारतीय जनता पार्टी की जय। हम लोगों का जो संकल्प है, आप सभी जनता से आशीर्वाद की जरूरत है। अगर यदि आपका आशीर्वाद बनता है तो विश्वास नहीं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी सभी कमियों को हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। और आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने हमको अपना विश्वास पात्र चुना, पार्टी के साथ साथ भरोसा जताया, आपके भरोसे के ऊपर हम लोगों को पार्टी ने टिकट दिया। इसी चंद शब्दों के साथ आप सबका पुनः आभार प्रकट करते हुए मैं वही वाणी को विराम देता हूँ। अपने बाबा की दया के चरणों में हम सब लोग प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। आज अपने मित्र और सहयोगी सूर्यमणि तिवारी जी और हमारे ऊपर, हम दोनों भाइयों के ऊपर हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो विश्वास करके हम दोनों को आपके बीच में उतारा है, मैं अपने शकलडीहा के सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, एक बार आप सब लोग मिल करके देश के लिए, प्रदेश के लिए, योगी जी महाराज के लिए, आप सब लोग सिर्फ योगी जी को देखिए, कमल के फूल को देखिए और आशीर्वाद दे करके सूर्यमणि तिवारी जी को और हमें उत्तर प्रदेश की विधानसभा मैं अपने सभी बड़ों से, सभी अपने मित्रों से, सभी अपने छोटे भाइयों से विशेष आग्रह करता हूं, यह चुनाव हमारा और तिवारी जी का नहीं है।